हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन इलस्ट्रेशन हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है ज़ेब्रा प्रिंट। आज हम ज़ेब्रा प्रिंट करना सीखने वाले हैं। आप भी सीखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड तक, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्रॉकी तैयार की है, उस पर हमने ड्रेपिंग किया है। आप भी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम स्किन में कलर करेंगे। जो भी हमारा बॉडी का पार्ट दिख रहा है सबसे पहले हम उसमें कलर करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से उसमें कलर शेडिंग दे रही हूँ। देखते रहिए पूरा वीडियो एंड तक। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपना जो बेस है वो वाइट कलर का तैयार करेंगे। जो भी आपका ड्रेस का डिज़ाइन है उसमें आप जहाँ पे ज़ेब्रा प्रिंट दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले उसका बेस कलर कर दीजिए वाइट कलर। आप अच्छे से करिए, ज़्यादा थिक कलर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। आपको उसमें पानी ज़्यादा नहीं मिलाना है। जो भी कलर है एज इट इज़ आप कर दीजिए। तो देखिए, ये हमारा पहले हमने बेस कलर कर दिया है, उसको हमने सूखने के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। 5-10 मिनट में वो सूख जाएगा। तब तक हम अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे और फुटवेयर में कलर करेंगे। तो ध्यान से देखते रहिए आप भी। फ्रेंड्स, ये ग्रे कलर है। आप भी ग्रे या ब्लैक से आप इसकी आउटलाइनिंग कर सकते हैं ताकि आपको डिज़ाइन समझ में आ जाए कि क्या आपने डिज़ाइन बनाया था और कहाँ पे आपको प्रिंट दिखाना है। अब ये देखिए, मैंने ब्लैक कलर लिया है और 00 नंबर का मैंने ब्रश लिया है। इसके बाद हम इसमें प्रिंट करना शुरू कर रहे हैं। देखिए, बहुत ध्यान से आपको कलर करना है, प्रिंट करना है। आपके ब्रश में ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कलर होगा तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल आपको हल्का हल्का कलर लेके यूज़ करना है डिज़ाइनिंग में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए।